एनडी में इनर ईयर की एनाटॉमी डिस्कस करने वाले हैं। तो इनर ईयर में स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई होते हैं, क्रिस्टे, मैक्यूले एंड बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्केला वेस्टिबुलाई जो है ना ऊपर अरेंज रहता है, देन स्केला मीडिया बीच में रहता है, देन स्केला टिम्पानी सबसे नीचे रहता है। तो इसका प्रॉपर डायग्राम हम देखते हैं। ये पेरिलिम्फ रहता है ऊपर में स्केला वेस्टिबुलाई में, और स्केला वेस्टिबुलाई की जो मेम्ब्रेन रहती है जो उसको सेपरेट करती है स्केला मीडिया से, वो होती है रीजनस मेम्ब्रेन। उसके नीचे फिर हम देख सकते हैं स्केला मीडिया है जो कि वेव कर रहा है पेरिलिम्फ में, मीन्स पेरिलिम्फ में वो फ्लोट कर रहा है एक तरीके से। और स्केला मीडिया के खुद के अंदर क्या है, एंडोलिम्फ है जिसमें कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है प्लस 85 मिलीवोल्ट का। अब ये ग्रेडियंट मिलता कहाँ से, स्ट्राया वेस्कुलरिस में सोडियम एंड क्लोराइड चैनल्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए। अब स्केला टिम्पेनाई देखते हैं। स्केला टिम्पेनाई इसके नीचे में है जो कि सेपरेट हो रहा है स्केला मीडिया से बैसिलर मेम्ब्रेन के थ्रू, और बैसिलर मेम्ब्रेन में ही ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाइन सिचुएटेड रहता है जो कि हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन होता है सोडियम और क्लोराइड चैनल से, हमने देखा। और ड्रग्स जो ऐड करते हैं लूप ऑफ हैंडले पे, एग्जांपल फ्यूरोसमाइड जो कि लूप डायूरेटिक है, तो लूप ऑफ हैंडले में भी सोडियम और क्लोराइड चैनल्स होते हैं। तो सोडियम और क्लोराइड चैनल्स ईयर में भी है, सेम है, इसीलिए वो यहाँ पे भी एक्ट करते हैं ईयर पे भी, और अफेक्ट करते हैं स्ट्राया वेस्कुलरिस को क्योंकि स्ट्राया वेस्कुलरिस में सोडियम और क्लोराइड चैनल्स होते हैं, और जिसकी वजह से ओटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। तो इन ड्रग्स को इसलिए हम ओटोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं, फ्यूरोसमाइड वगैरह को। और अगर सोडियम बढ़ जाता है तो एंडोलिम्फ भी बढ़ जाता है, और उस केस में मेनियर्स डिसीज़ हो जाती है, और इसीलिए मेनियर्स डिसीज़ के ट्रीटमेंट में सॉल्ट रेस्ट्रिक्टिव डाइट रिकमेंड की जाती है जिससे कि सोडियम कम हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई रहता है वहाँ पे इनर हेयर सेल्स और आउटर हेयर सेल्स भी होते हैं, तो इसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हम देखते हैं। इनर हेयर सेल सिंगल रो में अरेंज रहता है जबकि आउटर हेयर सेल 3 to 4 रोज में अरेंज रहता है। अब इनर हेयर सेल जो है कम होता है नंबर में क्योंकि सिंगल रो में अरेंज हो जा रहा है तो लेस इन नंबर ही होगा, एंड आउटर हेयर सेल्स मोर इन नंबर होते हैं। इनर हेयर सेल लेस प्रोन होता है टू डैमेज, एंड आउटर हेयर सेल मोर प्रोन होता है टू डैमेज बाय नॉइस एंड ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स। लेस प्रोन और मोर प्रोन को कैसे याद रख सकते हैं, जो कम होता है नंबर में वो लेस प्रोन होता है ताकि हियरिंग लॉस ज़्यादा ना हो, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है हमारा ईयर। और आउटर हेयर सेल्स जो ज़्यादा नंबर में है वो ज़्यादा प्रोन होता है डिसीज में, डैमेज में, जिसकी वजह से अगर वो डैमेज होते भी है तो ज़्यादा हियरिंग लॉस नहीं होता है, उतना सीवियर नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू इनर हेयर सेल। और इनर हेयर सेल्स का फोर्थ डिफरेंस है इनर और आउटर का कि अफरेंट नर्व्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है इनर हेयर सेल्स में, यानी कि इनर हेयर सेल्स ट्रांसमिटिंग सेल्स होते हैं, जबकि आउटर हेयर सेल्स में एफरेंट नर्व्स प्रेजेंट होती है, यानी कि ये डिलीवरिंग सेल्स हो गए, एफरेंट सेल्स हो गए इन अदर वे। नाउ ट्रांसडक्शन किस में होता है, स्केला वेस्टिबुलाई प्लस स्टेला टिम्पेनाई में जब वो जाता है ना, शेयरिंग एक्शन होता है क्योंकि उसमें जो फ्लूइड होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। स्केला वेस्टिबुलाई से फ्लूइड जब वाइब्रेट होता है तो स्केला टिम्पेनाई में जाता है, फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में जाता है और फिर मूव आउट कर जाता है वहाँ से। तो हेयर सेल्स उसके हाइट में अरेंज रहते हैं, और हाईएस्ट हाइट हेयर सेल्स की कौन सी होती है, जहाँ पे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन अटैच होती है। अब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन तो मूव नहीं होती है, वो फिक्स रहती है अपनी जगह पर बेसिलर मेम्ब्रेन मूव होती है, तो एक साइड हेयर सेल का बेसिलर मेम्ब्रेन से टच्ड है और हाईएस्ट हाइट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टच्ड है, तो इसलिए क्या होता है फ्रिक्शन हो जाता है क्योंकि हेयर सेल्स ऐसे करके नीचे बेस उनका मूव होता है लेकिन हाइट मूव नहीं होती है, तो इसलिए फ्रिक्शन होता है। टिप्स, अब फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है, जो एडजेसेंट हेयर सेल्स है ना उसके टिप्स अटैच्ड हो जाते हैं जब शेयरिंग एक्शन होता है उस दौरान, तो उससे क्या होता है कि पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और पोटेशियम एंटर करने लग जाता है एंडोलिम्फ से हेयर सेल्स में।
एंडोलियम जो स्कैला मीडिया में होता है वो एंटर करने लग जाता है हेयर सेल्स में। अब कैल्शियम चैनल्स इसलिए फिर ओपन हो जाते हैं जो कि वोल्टेज गेटेड होते हैं, और फिर कैल्शियम एंटर करता है न्यूक्लियस पे, फिर क्या होता है ग्लूटामेट रिलीज होता है जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और फिर वो अल्टीमेटली कॉक्लियर नर्व से पिकअप कर लिया जाता है और ये जो अफरेंट सिग्नल है वो नर्व तक पहुंच जाता है, कॉक्लियर नर्व तक। अब इनर हेयर सेल और आउटर हेयर सेल में एक और डिफरेंस है कि इनर हेयर सेल ट्रांसमिट करता है ऑडिटरी स्टिमुलाई, जबकि आउटर हेयर सेल मॉड्यूलेट करता है इनर हेयर सेल के फंक्शन को। और आउटर हेयर सेल साथ में एक और फंक्शन करता है, वो होता है ऑटो एकॉस्टिक एमिशन, जिसको OAEB बोलते हैं। ऑटो एकॉस्टिक एमिशन क्या होता है, जब प्रोब पुट की जाती है ना तो वापस से हमको साउंड सुनाई देता है, क्योंकि आउटर हेयर सेल की एक्टिविटी होती है। साउंड क्यों सुनाई देता है, क्योंकि आउटर हेयर सेल ज़्यादा होते हैं नंबर में और ज़्यादा साउंड करते हैं जब मूव होते हैं वो, तो फ्लूइड जब मूव होता है तो फ्रिक्शन की वजह से वो भी मूव होते हैं ना, तो होते तो इनर सेल भी मूव होते हैं लेकिन वो कम नंबर में होते हैं तो उतना साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन आउटर हेयर सेल से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमें सुनाई दे देता है। तो अगर नॉर्मली ये साउंड हर्ड होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ऑटो एकॉस्टिक एमिशन का, अगर नॉर्मल हमें सुनाई दे रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि नॉर्मल है आउटर हेयर सेल, अदरवाइज साउंड सुनाई नहीं देगा। अब कॉक्लियर नर्व जो है, कॉक्लियर नर्व के गैंग्लियन में जाती है पहले, यानी कि स्पायरल गैंग्लियन में, क्योंकि कॉक्लियर से स्पायरल वे में राउंड ऑफ होता है ना इनर ईयर में, इसलिए उसको स्पायरल गैंग्लियन बोलते हैं। उसके बाद फिर इनर ईयर से आउट मूव कर जाती है वो, फिर इंटरनल एकॉस्टिक मीटस के थ्रू वो ब्रेन में चली जाती है। तो इसका पूरा पाथवे हम देखते हैं, ऑडिटरी पाथवे कैसा होता है। सबसे पहले इनर हेयर सेल अफरेंट नर्व में सिग्नल सेंड करते हैं, यानी कि कॉक्लियर नर्व में, और फिर स्पायरल गैंग्लियन में वो जाती है, फिर एग्जिट करती है वो वहाँ से इंटरनल एकॉस्टिक मीटस के थ्रू, फिर वो जाती है कॉक्लियर न्यूक्लियाई में जो कि वेंट्रल और डॉर्सल न्यूक्लियाई होते हैं, फिर वहाँ से वो जाती है थर्ड में सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स जो कि सेवन्थ और एट्थ का इंटरकनेक्शन होता है, उसके बाद वह जाती है लेटरल लेमिनिस्कस में, फिर जाती है फोर्थ में इन्फीरियर कॉलिकुलस में, फिर फिफ्थ में जाती है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में, देन ऑडिटरी कॉर्टेक्स में चली जाती है अल्टीमेटली एरिया नंबर 41 में, जहाँ जो कि सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में होता है, और अल्टीमेटली साउंड का अप्रिशिएशन हो जाता है वहाँ पे, यानी कि कोई पर्सन क्या बोल रहा है ये हम समझ जाते हैं। तो हम इन चार चीज़ों को कैसे याद कर सकते हैं जो बाद में है इसके कॉक्लियर न्यूक्लियर के बाद, स्लिम करके याद कर सकते हैं SLIM, एस फॉर सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स, एल फॉर लैटरल लेमिनिस्कस, आई फॉर इन्फीरियर कॉलिकुलस एंड एम फॉर मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। तो ये हमारा हो गया ऑडिटरी पाथवे। नाउ बेरा क्या होता है, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री होती है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। क्रॉसिंग जो होती है ना सेवन्थ एंड एट नर्व की, वो होती है सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स में, और ट्रेपेजॉइड बॉडी से वन ऑडिटरी पाथवे से दूसरे ऑडिटरी पाथवे में कनेक्शन बनता है। नाउ फेशियल नर्व एकॉस्टिक रिफ्लेक्स भी देती है, जब साउंड बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो फेशियल नर्व एकॉस्टिक रिफ्लेक्स देती है। एंडोडर्म्स जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से होता है, स्ट्राया वास्कुलारिस से, स्कैला मीडिया से प्रोड्यूस हो रहा था हमने पहले देखा था, लेकिन स्कैला मीडिया में एग्जैक्टली कहाँ से, स्ट्राया वास्कुलारिस से प्रोड्यूस होता है। सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स में दो चीज़ें होती है, एक तो वो स्टेपेडियल रिफ्लेक्स का सेंटर होता है, दूसरा लोकलाइजेशन ऑफ साउंड करता है। तो स्टेपेडियल रिफ्लेक्स का सेंटर में क्या है कि वो इंटरकनेक्शन होता है एट्थ और सेवन्थ नर्व का, इसलिए वो हाई इंटेंसिटी साउंड के लिए रिस्पॉन्स करता है, और लोकलाइजेशन ऑफ साउंड यहीं पे स्टार्ट होता है सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स में। लोकलाइजेशन ऑफ साउंड क्या है कि जो भी साइड से साउंड आ रहा है वो लाउडर होगा और सिर्फ वो ईयर जो है ना वो उसको जल्दी सुन लेगा, उस साइड का जो ईयर है, मान लो कि लेफ्ट साइड से साउंड आ रहा है तो लेफ्ट ईयर में लाउडर सुनाई देगा वो साउंड, और वो ईयर लेफ्ट ईयर आपका जल्दी सुन लेगा उस साउंड को एज़ कम्पेयर टू योर राइट ईयर। तो ये होता है लोकलाइजेशन ऑफ साउंड। नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है एंडोलिम्फ का यूट्रिकल एंड सैक्यूल में वो मेंटेन होता है एपिथेलियल से ही, एक एपिथेलियल जो कि स्ट्राया वास्कुलारिस के सिमिलर होता है।
स्ट्राइवास्कुलरिस मेंटेन कर रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट वहाँ पे एंडोलिम्फ में ना, तो यहाँ पे भी ये जो एंडोलिम्फ यूट्रिकल एंड सैक्यूल में वो वाला एंडोलिम्फ स्कैला मीडिया में था वहाँ पे मेंटेन कर रहा था स्ट्राइवास्कुलरिस। लेकिन यूट्रिकल एंड सैक्यूल में कौन मेंटेन करेगा? डार्क सेल्स एक होते हैं जो कि सिमिलर एपिथेलियम होते हैं स्ट्राइवास्कुलरिस जैसे। तो ये हेयर सेल्स होते हैं क्रिस्टे एंड मैक्यूले में। हेयर सेल्स जो क्रिस्टे एंड मैक्यूले में होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? टाइप वन एंड टाइप टू सेल्स। अब सेपरेट नेम देने का इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि ओटोट्रॉक्सिक ड्रग्स अगर इनर हेयर सेल और आउटर हेयर सेल पे एक्ट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे कॉक्लियोटॉक्सिक ड्रग्स और इस कंडीशन में हियरिंग लॉस होगा। और अगर ओटोट्रॉक्सिक ड्रग्स एक्ट करेंगे टाइप वन और टाइप टू सेल्स में तो हम उसको बोलेंगे वेस्टिबुलोटॉक्सिक ड्रग्स, तो इस कंडीशन में इम्बैलेंस कॉज होगा। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने नाम अलग अलग रखा है। और क्रिस्टे में जो एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टे हेयर सेल्स, क्रिस्टे में एक हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोजेक्ट होते हैं ना जिलेटिनस मटेरियल में, उसको बोलते हैं क्यूपुला। जबकि मैक्यूले में जो हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोजेक्ट होते हैं ओटोलिथ में। तो ओटोलिथ क्या होता है? नॉर्मल कैल्शियम कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इनर ईयर में मैक्यूले में, और ये लीनियर एक्सेलरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ओटोलिथ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे पार्ट टू में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।